आज के इस वेबिनार के द्वितीय वक्ता के रूप में गुरु घासीदास जी के जीवन एवं संदेश विषय पर वक्तव्य देने के लिए विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के संस्थापक एवं संचालक सचिव प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करते हैं। आप विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के जनक हैं और विगत 50 वर्षों से शिक्षा जगत की अहिर्निश सेवा में लगे हुए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अनेक वर्षों तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहने के पश्चात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियायक आयोग के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने आपके व्यापक अनुभव और कार्यों का लाभ उठाया है। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों में रामकृष्ण विवेकानंद द्वारा संपोषित सनातन जीवन मूल्यों और आदर्शों पर आपके वक्तव्य होते रहते हैं। आप अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं, अनेक ग्रंथों के संपादन का कार्य कर चुके हैं और विगत 30 वर्षों से समाज के अत्यंत पीड़ित और उपेक्षित बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के रचनात्मक उद्देश्य को लेकर विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से लोक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में मानव प्रकर संस्थान के निदेशक हैं, जिनके माध्यम से कोरोना महामारी के आपात अवसर पर विभिन्न वेबिनार के माध्यम से जन चेतना जागृत हो रही है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर केसरीलाल वर्मा जी, प्रोफेसर श्रीमती आभा रूपेंद्र पाल जी, डॉक्टर अनिल कुमार भट्टाचार्य जी, डॉक्टर श्रीमती करुणा कुर्रे जी तथा इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना के विकास में गुरु घासीदास जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी हमने गुरु घासीदास जी के जीवन और संदेश पर डॉक्टर श्रीमती करुणा कुर्रे से बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली और उपयोगी वक्तव्य सुना। घासीदास जी का जीवन ही वैसा विलक्षण और आकर्षक था। एक ऐसे समय में घासीदास जी का जन्म हुआ था जब छत्तीसगढ़ का समाज दिशाहीनता का शिकार हो गया था। छत्तीसगढ़ की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी। नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा था। समाज में जाति पात और छुआछूत की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। समाज के लोग मानसिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। न्याय पाने के लिए संघर्ष करने की शक्ति लोगों में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। समाज में दंड व्यवस्था जैसी कोई चीज रह नहीं गई थी। छुआछूत का इतना अधिक प्रभाव हो गया था कि दंड का निर्धारण भी जाति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता। जैसे यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति की हत्या कर देता तो उसे केवल कुछ जुर्माना भर भरना पड़ता था, पर यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति की हत्या कर देता तो सब के सामने उसे फांसी दे दी जाती थी। समाज में बाह्य आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास पूर्ण रूप से फैल गया था। धर्म के यथार्थ स्वरूप को लोग भूल चुके थे और अंधविश्वास और कर्मकांड को ही धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ रहे थे। सर्वत्र अज्ञान, अशांति का वातावरण फैल गया था। जीवन में तामसिकता प्रबल हो गई थी। तो ऐसे विपन्नावस्था में घिरे हुए छत्तीसगढ़ में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए मानो गुरु घासीदास जी का जन्म होता है। गुरु घासीदास जी आते हैं और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से वे समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं। बड़ा ही विलक्षण उनका जीवन था।
विलक्षण इसलिए था कि वे निरक्षर थे, धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, किंतु छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक आकाश गंगा में वे सूर्य के समान निरंतर चमकते रहे। उनका जीवन इसलिए भी विलक्षण कहा जा सकता है कि वे गरीब थे, उनके पास कोई धन नहीं था, किंतु उनके पास एक ऐसी आध्यात्मिक संपदा थी जिसके प्रभाव से आकर्षित होकर एक बृहत्तर जन समुदाय उनके चारों ओर मंडराया करता था। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा में जन्मे पले बढ़े वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सत्य के संधान के लिए युग के प्रयोजन के अनुकूल एक नया पथ प्रदर्शित किया। जीवन भर वे कठिनाइयों और संघर्षों से जूझते रहे, पर अपने जीवन में कभी भी उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। सत्य के पथ पर वे सदा बढ़ते रहे और समाज को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, सत्यमय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। लोगों में आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। अभी आपने सुना कि गुरु घासीदास जी का जन्म रायपुर जिले के गिरौदपुरी ग्राम में हुआ था 18 दिसंबर 1756 को। वह स्थान जहां उनका जन्म हुआ था आज बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है। वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर बचपन से ही वे चिंतक प्रवृत्ति के थे। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने भाइयों के साथ वे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और तभी मार्ग में सोना खान के जंगलों में उन्हें सत्य का साक्षात्कार हो गया। सोना खान की पहाड़ियों में एक तेंदू के वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य ज्ञान की उपलब्धि हुई। भगवान बुद्ध को भी ऐसे ही सत्य का साक्षात्कार हुआ था। जब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ, उनके जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ गई। ज्ञान के प्रकाश से उनका जीवन आलोकित हो गया। मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, बताया गया है कि जब व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार होता है तो व्यक्ति का जीवन कैसे हो जाता है। वहां पर बताया गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरि। हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, सभी प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं, कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा आनंद के सागर में डूबा रहता है। गुरु घासीदास की अवस्था भी वैसी ही हो गई। किंतु घासीदास केवल सत्य के आनंद में डूबे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, उनके जीवन का एक और महत्तर प्रयोजन था। एक बार नरेंद्रनाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से सुविख्यात हुए, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरुदेव ने उनसे पूछा, बेटा नरेंद्र तू चाहता क्या है। नरेंद्र ने कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मैं निरंतर भगवान सुखदेव की भांति समाधि में डूबा रहूं। श्री रामकृष्ण देव को तो खुश होना चाहिए था कि उनको एक ऐसा शिष्य मिला जो धन संपत्ति की कामना नहीं कर रहा है, जो राज सुख की कामना नहीं कर रहा है, जो पत्नी पुत्र की कामना नहीं कर रहा है, सदैव वह ईश्वरीय आनंद में डूबा रहना चाहता है। यही सामाजिक की अवस्था तो हमारे भारतीय संस्कृत में योगियों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए परम प्राप्तव्य मानी गई है। परंतु श्री रामकृष्ण देव उनके उस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। नरेंद्रनाथ को लगभग झिड़कते हुए उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं तो समझा था तू विशाल वट वृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तले सैकड़ों लोग विश्रांति का अनुभव करेंगे, किंतु मैं देखता हूं रे, तू बहुत स्वार्थी हो गया है, तू अपने ही मुक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेटा, इससे भी एक ऊंची अवस्था होती है। और बाद में श्री रामकृष्ण देव ने बतलाया, वह ऊंची अवस्था है शिव भाव से जीव सेवा की, अर्थात अभावग्रस्त लोगों को, गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करना। गुरु घासीदास जी को भी अपने जीवन का प्रयोजन स्पष्ट हो गया था। उन्हें लगा कि अब उन्हें समाज के आनंद में नहीं डूबना है, उन्हें लगा कि अब उन्हें समाज की सेवा करनी है। वे समाज की सेवा में लग गए। तत्कालीन समाज में फैली हुई कुरीतियों को उन्होंने दूर करना प्रारंभ कर दिया।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का भ्रमण उन्होंने किया। वे दंतेवाड़ा गए। दंतेवाड़ा में उस समय नर बलि की प्रथा थी। नर बलि की प्रथा को उन्होंने जघन्य अपराध सिद्ध किया और लोगों के जीवन में सत्य धर्म की प्रतिष्ठा उन्होंने की, और इस सत्य धर्म के आधार पर फिर उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। उन्होंने बताया कि सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सत्य की उपलब्धि कर सकता है। देखिए, ढोंग और ढकोसले से उनको बहुत घृणा थी। वे हृदय की पवित्रता में विश्वास करते थे। उन्होंने नर बलि और पशु बलि की प्रथा को बंद किया। समस्त पशु जगत के प्रति गुरु घासीदास जी के हृदय में बहुत दया का भाव था और विशेष रूप से बैलों के प्रति तो उनके मन में बहुत प्यार था, क्योंकि ये बैल ही हमारे कृषकी जीवन के प्रमुख आधार थे। न केवल मनुष्य, न केवल पशु पक्षी, समस्त जीव जगत के प्रति गांधी घासीदास जी के मन में बड़ा आदर का भाव था। अवरा और धवरा के प्रतीक के माध्यम से तो मानो उन्होंने वृक्षों की रक्षा का एक महाभियान प्रारंभ किया था। आज हम लोग वृक्षों को बचाने की बात बोल रहे हैं। आज के पर्यावरणविद जिस महत्वपूर्ण बात को आज हमें बता रहे हैं, गुरु घासीदास ने आज से लगभग 250 साल पहले मानो वृक्षों की रक्षा का महाभियान प्रारंभ कर दिया था। संपूर्ण जीव जगत, चर अचर, जड़ चेतन सब के प्रति उनके हृदय में बड़ा सम्मान और प्रेम था। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व का साक्षात्कार मानो उन्होंने अपने हृदय की गहराई से किया था। ज्ञान की उच्च अवस्था में प्रतिष्ठित होकर जो ज्ञान वारी गुरु घासीदास जी ने प्रवाहित की, उसमें अवगाहन कर छत्तीसगढ़ का जन समाज अपने आप को धन्य समझने लगा। शताब्दियों से निरंतर गरीबी, अशिक्षा और पीड़ा में डूबे हुए लोगों को ऐसा लगा कि उनको भी अब सब के समान जीने का अधिकार है। गुरु घासीदास के सानिध्य में रहकर उन्हें जीवन की सार्थकता का बोध हुआ। बहुत से लोग गुरु घासीदास जी के शिष्य बन गए। उनके जीवन से प्रभावित होकर विभिन्न जातियों के लोग उनके पथ में सम्मिलित होने लगे। मदिरा पान मांसाहार को उन्होंने छोड़ दिया, शुद्ध शाकाहारी हो गए। ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास सब का त्याग उनके अनुयायियों ने किया। वे शुद्ध सात्विक जीवन बिताने लगे और ऐसा अद्भुत प्रभाव गुरु घासीदास जी के जीवन का लोगों पर पड़ा। गुरु घासीदास जी ने जीवन में सत्य को अपनाने के लिए और जीवन में धन्यता प्राप्त करने के लिए 7 सूत्र बताए। देखिए, मूसा ने ओल्ड टेस्टामेंट में 10 सूत्र बताए हैं। भगवान बुद्ध ने जीवन में धन्यता प्राप्त करने के लिए 8 सूत्र अर्थात अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया है। घासीदास जी ने 7 सामान्य सूत्र बताए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने डॉक्टर श्रीमती करुणा कुर्रे से भी सुनी। पहला उन्होंने बताया, सत्य नाम का आश्रय लीजिए, वही ईश्वर का दूसरा नाम है। मूर्ति पूजा का उन्होंने निषेध किया, मांसाहार का निषेध किया, मदिरा पान का निषेध किया, छुआछूत का निषेध किया, पर स्त्री को माता समान समझने का उपदेश उन्होंने दिया। और 7वां और अंतिम उन्होंने बताया कि दोपहर के बाद बैलों से खेत मत जोतो, उन्हें विश्राम दो। ये 7 दिशा निर्देश गुरु घासीदास जी ने दिए और इन दिशा निर्देशों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, सत्य की उपलब्धि कर सकता है। बहुत दार्शनिक विवादों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इन 7 सूत्रों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जीवन में व्यक्ति के जीवन में सत्य का प्रकाश फैलेगा, उसके जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम और एकत्व का दर्शन हमारे भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है। गुरु घासीदास जी ने ऊंच नीच के भाव को त्याग कर एक समता मूलक समाज की स्थापना की। उनके सतनाम पंथ का द्वार उन सभी लोगों के लिए खुला था जो सतनाम पंथ पर आस्था रखते थे।
और यही कारण है कि गुरु घासीदास के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अन्य बहुत सी जातियों के लोग सतनामी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि 83 ग्राम में संभवतः सन 1842 में एक विराट सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित हुए थे। वहां केवल पिछड़ी जाति के ही लोग नहीं थे अपितु तो बहुत से सवर्ण लोग भी वहां पर सम्मिलित हुए थे और उन सवर्ण लोगों ने भी सतनाम पंथ में प्रवेश लिया। और इस प्रकार समानता के आधार पर एक वर्ग भेद विहीन समाज की स्थापना पहली बार मानो गुरु घासीदास जी के द्वारा हुई। और ऐसा कहा जाता है कि सतनामियों में मिलने वाले सवर्णों के अनेक गोत्र नाम जैसे चतुर्वेदी, पाणिग्रही, कश्यप, भारतवाद, बघेल आदि उसी के परिणाम है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में गुरु घासीदास का यह महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने जाति विद्वेष को दूर करके एक समता मूलक समाज की स्थापना की है। समाज में नारी को उन्होंने पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान दिया। तत्कालीन युग में जो वामपंथी थे उन्होंने गुरु घासीदास जी का बहुत विरोध किया, किंतु एक गुरु घासीदास जी के आध्यात्मिक तेज से शीघ्र ही पराभूत हो गए। गुरु घासीदास जी ने जादू टोना, धार्मिक कुरूतियों, अंधविश्वास पर भी जमकर प्रहार किया और लोगों को बताया कि बाबा, तांत्रिक, बैगा, गुनिया ये सब हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हमें अपने पुरुषार्थ से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु घासीदास ने अपने जीवन और संदेशों से युग को एक नवीन दिशा दी। वे मानो आधुनिक भारतीय नवजागरण के पुरोधा थे। आधुनिक युग के इतिहासकार राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का पुरोधा मानते हैं, किंतु गुरु घासीदास ने राजा राम मोहन राय से पहले ही नवजागरण का संदेश दिया। देखिए, राजा राम मोहन राय ने तो सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि गुरु घासीदास ने सन 1820 में ही सतनाम पंथ स्थापित करके नवजागरण का मानव संदेश दिया। राजा राम मोहन राय का नवजागरण तो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित था, किंतु गुरु घासीदास के नवजागरण का जो मूल था वो भारतीय परंपरा से निश्चित हुआ था। निरक्षर होते हुए भी उन्होंने चरम सत्य की अनुभूति की थी। उनकी अनुभूतियों में मानो वेदांत तत्व का निचोड़ है। उस गहन अनुभूति को उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में जन सामान्य के लिए रखा और इस प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा को मानो उन्होंने एक देव भाषा का रूप प्रदान किया। गद्य में दिए गए उनके उपदेश अमृतवाणी के नाम से जाने जाते हैं तथा पद्य में दिए गए उनके उपदेश पंछी गीत में निहित है। अपना सारा जीवन उन्होंने सत्य ज्ञान की साधना में समर्पित किया और 20 फरवरी 1850 को वो महासमाधि में लीन हुए। वे एक सफल क्रांतिदर्शी, महान समाज सुधारक, अनुभूति संपन्न तत्वदर्शी, गरीबों और दलितों के मसीहा, युग पुरुष और युग प्रणेता थे। ऐसे महामानव को आज उनके जन्म दिवस पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा यह वक्तव्य सुना है। धन्यवाद, आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद।